तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम ना इधर की बात करेंगे ना हम उधर की। बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे को भाइयों के कि भाई QnA कहाँ है, QnA कहाँ है भाई, QnA नहीं डाला तुमने 1000 सब्सक्राइबर के बाद। भाई मैंने QnA का लाइव स्ट्रीम करा है, जाकर जरूर देखो। बट अगर वीडियो चाहिए तो ये वो वीडियो है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन मानव बागदा ने पूछा है, सम क्वेश्चंस। First, what are you studying in Canada? Second, what is the total amount of fees you paid? Third, does your college have MBA? Fourth, who is your counselor? Five, when you will do the live stream of games as you said in your first video? तो एक करके क्वेश्चन का जवाब देते हैं। What are you studying in Canada? तो मैं कनाडा में बिजनेस जर्नल पढ़ रहा हूँ। मेरा अल्टीमेट गोल है इंटरनेशनल बिजनेस करने का। तो अभी मैं यही वर्ष करूंगा, 2 साल का कोर्स है। एंड व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फीस यू पेड? फीस मेरे को पक्का नहीं पता मैंने कितनी दिया, बट 16,000 से 18,000 डॉलर के बीच में होती है। तो कैलकुलेट कर लो, INR में कुछ 8 से 10 लाख के बीच में है, 8 से 9 लाख के बीच में है। एंड डज योर कॉलेज हैव MBA? हाँ है मेरे कॉलेज में MBA, और मैं शायद यहीं से ही अपना MBA का कोर्स भी करूंगा। Who is your counselor? भाई मैंने कोई भी counselor नहीं रखा, मैंने अपनी फाइल खुद लगाई थी। बट counselors के बहुत बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई counselors पे वीडियो बनाऊं, भाई counselor पे वीडियो बनाऊं। मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। एंड मैंने कोई भी counselor नहीं लिया, एंड इट इज पॉसिबल विदाउट counselor आप अपनी फाइल लगा सकते हो। When will you do the live stream of game as you said in the first video? भाई गेमिंग का अभी कुछ पक्का नहीं है, क्योंकि अभी मैं खाली यही वीडियोस बनाना करता रहूंगा। शायद मैं एक और चैनल जल्दी खोलूं, बट पक्का नहीं कह सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोवा प्रतीक ने पूछा है, विच कोर्स आर यू डूइंग देयर एंड विद हाउ मच फीस? भाई इस क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया, मैं जनरल बिजनेस का कोर्स कर रहा हूँ। 16,000 से 18,000 डॉलर के बीच में मेरी फीस है। विच फ्लाइट डिड यू टेक? दिल्ली टू टोरंटो वाली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आए कि भाई तूने कौन सी फ्लाइट ली, तूने दिल्ली टू लंदन कौन सी फ्लाइट ली, और लंदन टू टोरंटो कौन सी फ्लाइट ली। तो मैंने दिल्ली टू लंदन, लंदन टू टोरंटो, मैंने ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट ली थी, और काफी अच्छी फ्लाइट थी, बहुत ज्यादा मजा आया, अच्छी थी सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समीर बाथरा ने पूछा है, जैसे 6 घंटे की स्टे थी लंदन में, तो क्या लंदन एयरपोर्ट के बाहर आके घूम सकते थे? नहीं, उन्होंने बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने दिया। अगर आपको बाहर जाना है तो आप ट्रांजिट वीजा ले सकते हो, आप ट्रांजिट वीजा में घूम सकते हो। कई छोटी एयरलाइंस या फिर कोई दूसरी एयरलाइंस होती हैं जो आपको अलाउ कर देती हैं, अगर आपका ज्यादा लंबा गैप होता है तो। आपको किसी होटल में स्टे देती हैं तो आप उस होटल में जाके स्टे ले सकते हो विदाउट ट्रांजिट वीजा। तो इट डिपेंड्स। भाई व्हाट इज योर नेम ऑफ कॉलेज? मेरे कॉलेज का नेम है शेरिडन कॉलेज, और मैं डेविस कैंपस में पढ़ रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो और अगर आपको शेरिडन कॉलेज नहीं पता, सोदी स्टेटस ने पूछा है, भाई कनाडा में क्या करने गए हो? भाई मैं कनाडा में पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, और बस यही अभी का तो विचार। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देव नागपाल, डू नेटिव कैनेडियंस आल्सो विजिट गुरुद्वारास? हाँ मैंने देखे हैं 2-3 कैनेडियंस को गुरुद्वारे में जाते हुए। मैं काफी बार गुरुद्वारे जाता हूँ, तो हाँ आते हैं। गुरजीत विरदी ने पूछा है, भाई केड़ा फोन यूज करता व्लॉग बनाने लई? भाई मैं OnePlus 6 यूज करता हूँ अपना व्लॉग्स बनाने के लिए। सारी वीडियोस मैं उसी से ही शूट करता हूँ, मैंने अभी कोई भी कैमरा नहीं खरीदा, मैं खाली इसी से ही करता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि मोबाइल वीडियोग्राफी ही करता रहूंगा मैं। प्लेइंग आइटम्स ने पूछा है, ब्रो वेयर डू यू लिव इन कनाडा? मैं कनाडा में ब्रैम्पटन के अंदर रहता हूँ, मैकलॉगलिन एंड स्टील्स के पास। गनशॉट वाली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आए कि ब्रो ट्रोनो नहीं होता। ब्रो ट्रोनो यहाँ की नेटिव लैंग्वेज में ट्रोनो बोला जाता है, बट पूरे वर्ल्ड में टोरंटो बोला जाता है। तो आप उसको ट्रोनो बोलो या ट्रोंटो बोलो, बिल्कुल ठीक है वो, कोई भी दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। मैं ट्रोंटो भी बोल सकता हूँ, ट्रोनो भी बोल सकता हूँ, एंड दोनों ठीक है। प्रेम पटेल भाई पूछते हैं कि भाई 12th के बाद गए हो क्या? हाँ भाई मैंने 12th कंप्लीट करी अपनी अप्रैल में, एंड मैं सेप्टेम्बर में कॉलेज परस्यू करने के लिए मैं यहाँ आ गया कैनेडा। तो हाँ मैं 12th के एग्जैक्टली बाद में आया। अब कुछ मेरी बातें, जो मैं बातें कहना चाह रहा था कि यार मैं कोई भी काउंसलर नहीं हूँ। ये एक ह्यूज डिस्क्लेमर है कि मैं कोई भी काउंसलर नहीं हूँ, मेरे को हर कॉलेज के बारे में नहीं पता। मैं खाली अपना एक्सपीरियंस आप सब लोगों से शेयर कर रहा हूँ।
मेरा कोई भी वीजा डिपार्टमेंट में या किसी ने भी मेरे को हायर नहीं करा. एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप मेरे को मैसेज करते हो. मैं कोशिश करता हूँ हर एक मैसेज का रिप्लाई कर पाऊँ इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, बट कई बार नहीं भी हो पाते हैं. तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. एक शॉर्ट QnA वीडियो होने वाली थी. मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक 3 वीडियोस निकाली जाएं और कोशिश करते हैं 2-3 वीक्स तक हम 3 वीडियोस हर वीक निकालें. अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताओ कि आप वेट करोगे 3 वीडियोस पर वीक की, हर वीडियो देखोगे और आपने क्या नोटिफिकेशन दबा दिया है कि नहीं दबाया. तो सी यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.